तारा, आज हम दूसरी महाविद्या माँ तारा के बारे में बताएंगे। माँ काली के पति महाकाल है और भैरव महाकाल भैरव है, उसी तरह माँ तारा के पति अक्षोभ्य शिव है और भैरव है अक्षोभ्य भैरव। ये दिखने में माँ काली की तरह है, पर थोड़ा अंतर है। माँ काली काले रंग की है और तारा नीले रंग की। काली शव रूपी शिव के ऊपर खड़ी है और तारा चिता के ऊपर खड़ी है। उनकी ऊपरी बाएं हाथ में खड्ग है और निचले बाएं हाथ में कैंची। ऊपर के दाएं हाथ में नीलकमल है और नीचे के हाथ में कटा हुआ सर जिस रक्त पकता रहता है। वे बाघम्बर धारण करती है और नरमुन माल धारण करती है। वे सांपों को आभूषण की तरह सजा के रखती है। इनके तीन मुख्य रूप है, प्रथम नील सरस्वती, दूसरी उग्र तारा और तीसरी एक जटा। इस संसार में इधर उधर जितना भी ज्ञान फैला पड़ा है वो यदि एक हो जाए तो माँ नील सरस्वती तारा उत्पन्न होती है, वही सारा ज्ञान है, वे विद्या दायिनी है। उग्र तारा बड़ी भयंकर दिखती है, वे कद में थोड़ी छोटी सी है। माँ तारा एक उपासक मृत्यु के बाद माँ तारा के भैरव अक्षोभ्य भैरव के साथ उनकी जटा में रहते हैं, इसीलिए उन्हें एक जटा कहते हैं। माना जाता है कि माँ ने उग्र तारा स्वरूप में एक दैत्य हयग्रीव का वध किया था। माँ तारा की एक कथा यह भी है कि जब भगवान शिव ने अमृत मंथन के समय में हलाहल विष पिया तो उनके कंठ में जलन होने लगी। वो उस दर्द को सह नहीं पा रहे थे। तब माता महाकाली को बड़ी दया आई और उन्होंने भगवान शिव को छोटा बच्चा बनाकर अमृत से भी ज्यादा उत्तम अपना दूध पिलाया। माँ तारा के सबसे बड़े भक्त बामा खेपा बाबा थे और माँ तारा की सबसे पहले पूजा वाशिष्ठ मुनि ने की, जो कि ब्रह्मदेव ने उन्हें करने को कहा। मंत्र का असर न होने से उन्होंने उस मंत्र को किलित कर दिया। तब आकाशवाणी हुई और माँ ने कहा कि तुम चिनाचार विधि से पांच मुंडी का आसन बनाकर उस पे बैठकर मंत्र जप करो। चिनाचार एक चाइनीज विधि है। माँ तारा के कहे अनुसार उन्होंने यही किया। बंगाल में तारापीठ माँ तारा का मंदिर है जो शक्तिपीठ है। वहाँ माँ सती की तीसरी आंख का तारा गिरा, इसीलिए वहाँ जो शक्ति स्थापित हुई वो तारा है। वहीं जाकर वशिष्ठ मुनि ने ये जप किया और उन्हें माँ के दर्शन हुए। माँ तारा अपने भक्त के सभी महाविघ्नों से उन्हें तार देती है, इसीलिए उन्हें तारा कहती है। वे नीले आसमान की तरह नीली है और तारे की तरह चमकती है, इसीलिए उन्हें तारा कहते हैं। तो आज बस इतना ही। जय माँ काली, राधे राधे, हर हर महादेव।